Dear students, this is Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is Agro five two one two. Okay, so uh, students, I hope you all are very uh, doing very well. Okay. So, uh, we discuss in our today's lecture that uh, some basic principle of herbicides and resistance. See, in our previous lecture, we had already uh, discussed, we were we talking about some basic, you know, introduction of herbicides resistance, what is herbicide resistance and some advantages and limitations also. Okay. So, in this lecture, we will discuss about some basic principles of herbicide resistance. So, this is very important because sometimes... Uh,

let us see what is basic concept of herbicide resistance okay so there are three main basic concepts of uh, herbicide resistance so firstly we need to understand what is the concept of uh, of uh, you know basic herbicide resistance so uh, <clears throat> टाइम डोजेस एंड मैथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हरबी साइड वेरिएशन ठीक है सो वी वज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दैट कि आपको हर बी साइड का जो भी यू नो एप्लीकेशन है उसके मोड ऑफ़ दी एक्शन है साइट ऑफ द एक्शन है अकॉर्डिंग टू इस काम करना पड़ेगा ठीक है डोज तो टाइम के साथ साथ मेथड के साथ साथ डोजेस भी मेन फैक्टर है ठीक है कि आप कितने मात्रा में अगर आपके फील्ड पे बहुत डेंस वीट उगाए हैं ठीक है थीके? बहुत डेंस पॉपुलेशन आपके वीट का है आपके फील्ड पे तब आप डोजेस इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है थीके? जितना डोजेस क्योंकि जो भी हम डोजेस पढ़ते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन में या हमें पता है वो क्या है एक स्टैंडर्ड डोज है स्टैंडर्ड डोज है मतलब एक स्टैंडर्ड जब आपकी उतनी पॉपुलेशन है वीट वीट की उसके लिए एक स्टैंडर्ड डोज के अकॉर्डिंगली हम पढ़ाई करते हैं ठीक है यह हमें पता होता है तो हम ऐसा नहीं है कि उस स्टैंडर्ड डोज़ को ऐसे फील्ड में हम अप्लाई कर दें जहाँ पॉपुलेशन थोड़ी कम है या उससे भी ज़्यादा है ठीक है तो ये डिपेंड करता है अगर पॉपुलेशन आपकी कम है और आप डोजेस दे रहे हैं वीट को ठीक है तो वो आपके बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि वो आपके सॉइल को पहली बार थाम करेगी दूसरी बात जो आ, वी, आ, जो आप बहुत ज़्यादा डोज यू नो फॉर्मुलेट कर दिए हैं ट्रीट कर दिए हैं तो क्या होगा कि उस चीज़ के हैबिटुअल हो जाएंगे वो वेट्स ठीक है उनको उससे कम अगर आप डोज देंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा वो कभी ख़त्म नहीं होंगे आपके फील्ड से ठीक है तो डोजेज डोजेज जो है वो टाइम और मेथड ऑफ एप्लीकेशन भी है वो डोज भी एक मेन फैक्टर है वो भी आपके रहरबी साइड रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए एक मेन फैक्टर है ओके सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो ऑलवेज रिमेंबर एंड देन वेरिएशन इन फिनोटाइप्स ऑफ अ पॉपुलेशन ठीक है सो फिनोटॉप टाइप्स जो पॉपुलेशन है हमारे वीड्स के ठीक है फिनोटाइप पॉपुलेशन को हम क्या बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी ठीक है morphology. जो भी मॉर्फोलॉजी है मतलब जो आउटर बाहर से उसकी जो हमें जैसे वो दिखाई पड़ता है ठीक है तो वो भी वेरिएशन होता है पॉपुलेशन में ठीक है वीट के पॉपुलेशन में वो भी वेरी करता है ठीक है तो कई वेड्स जो हैं उसके सीट्स से दूसरे वीड्स उग आए हैं ठीक है थीके? तो जो पेरेंट वीड है आपका ओके जो आपका पेरेंट वीड है उसका फिनोटाइप उसके चाइल्ड वीड से मतलब जिस जो पेरेंट वीड के सीड से जो दूसरा वीड उगाया है सेम स्पीसीज का उसके फिनोटाइप में वेरिएशन होता है ठीक है तो उस वजह से भी वो रजिस्टेंस पावर जो है वो डेवलप कर लेते हैं क्योंकि क्या बोलते हैं जो पेरेंट होता है वो क्या करता है अपने यू नो you know, उसके अपने सीड से दूसरा पौधा फॉर्म करता है तो वो पौधे में क्या होता है अडोप्टिविटी हो जाती है ठीक है वो उस सिचुएशन को उस स्ट्रेस को उस पर्टिकुलर हरबी साइड के लिए अडोप्ट कर लेता है ओके सो तो ये वेरिएशन भी जो होता है फिनोटाइप पॉपुलेशन में वीट के वो भी डिपेंड करता है आपके हरबी साइड रेजिस्टेंस होने का ठीक है कि उस वो वीट जो है हरबी साइड के लिए रेजिस्टेंस हो गया है तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड देन जेनेटिक वेरिएशन ऑल्सो इसको हम जीनो बोल सकते हैं ठीक है फिनोटाइप मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो हमें बाहर से दिखाई पड़ रहा है कि उसका तना कैसा है ब्रॉड लिव है शॉर्ट लिव है या नैरो लिव है या होलो है इंटर जो इंटरनोट्स हैं दो इंटरनोट्स के बीच में होलो है या वो डेंस है पूरा भरा हुआ है डीप रूटेड है या शेलो रूटेड है ठीक है तो ये जो सारी चीज़ें जो है वो फिनोटाइप होती है किसी भी प्लांट की ठीक है अब जीनोटाइप कैसे होती है जीनोटाइप जो होता है इंटरनल जो फिजियोलॉज जी बना होता है कि स्टोमेटा कैसा है ओपनिंग स्टोमेटा है क्लोजिंग स्टोमेटा है शॉर्ट डे प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट है डे न्यूट्रल प्लांट है ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है जीनोटाइप्स पे ठीक है जिसको हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं सो so, जेनेटिक वेरिएशन बाय म्यूटेशन और एक्टिवेशन ऑफ प्री एक्जिस्टिंग जीन्स ठीक है तो क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है अब अगर हम नॉर्मली क्रॉप में अच्छा हम क्रॉप से समझते हैं अगर हम नॉर्मली क्रॉप देखते हैं तो आप देखेंगे कभी कभी टोमेटोज़ जो होते हैं या पोटेटोज़ होते हैं या कोई भी क्रॉप प्लांट ले लीजिए आप ठीक है वो अपने जो उनका बेसिक जो उनका कोर शेप होता है जो जैसा वो दिखाई पड़ते हैं उससे थोड़े अलग हो जाते हैं कभी आप देखेंगे रेडिश अक्सर रेडिश कैरेट में आप देखेंगे कि दो मुंह किसी का मुंह बन जाता है किसी का हाथ बन जाता है ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तो ये क्यों होता है ड्यू टू दी म्यूटेशन अब म्यूटेशन क्यों होता है म्यूटेशन इसलिए होता है क्योंकि जो जीन होते हैं ठीक है जो जीन होते हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं ठीक है तो इम्बेलेंस होने की वजह से जो स्ट्रक्चर है जो उस पर्टिकुलर नो uh, you know, uh, जो भी क्रॉप है उसका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है डिस, अलग तरीके से फॉर्म हो जाता है डीएनए अलग तरीके से फॉर्म हो जाता है ठीक है तो इस वजह से जो है म्यूटेंट हो जाते हैं वैरायटी और कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी वैरायटी हो किसी भी क्रॉप की वैरायटी हो या किसी भी वीट uh, की स्पीसीज हो अलग अलग पॉपुलेशन हो ठीक है तो वो जब म्यूटेशन होता है तो बहुत पहले से ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं उस वो स्ट्रेस को सहने के लिए ठीक है तो ये भी एक मेन फैक्टर है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप होने का ठीक है तो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कई बार एग्जाम्स में प्रिंसिपल जो है कंसेप्ट भी कह सकते हैं आप इसे ठीक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिंसि हरबी साइड रेजिस्टेंस के नाम से भी आ जाता है तो दिस सेम कंसेप्ट है सेम प्रिंसिपल है जो भी आए आपको यही बताना है कि ये तीन मेजर प्रिंसिपल है आपको इसको डील करना है विथ एग्जाम्पल्स ठीक है so, सो मूविंग ऑन एंड दैन कंडीशन फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ हरबी साइड रजिस्टेंस ठीक है तो कैसे कंडीशंस हैं फेवरेबल भी होते हैं कैसे कंडीशन है जिसमें जो हरबी साइड रजिस्टेंस ही डेवलप कर लेता है वीट ठीक है तो वो हम देखते हैं सो फर्स्ट वन इज़ रिपीटेड यूज ऑफ सेम हरबी साइड और यूज ऑफ हरबी साइड विथ सेम मोड ऑफ द एक्शन ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ मोनोकल्चर ठीक है सो ये हम पहले ही आ, इसके बारे में बात कर चुके हैं ओके देन एरिया वेयर जीरो मिनिमम टीलेज इज़ फॉलोड ठीक है जहाँ पे टीलेज ऑपरेशंस नहीं होते ठीक है हम ऐसा जगह जहाँ पे टीलेज ऑपरेशन नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि टीलेज ऑपरेशन होने से क्या होता है जो डीप रूटेड होते हैं पैरानियल टाइप के जो वीड्स होते हैं उनका जो रूट uh, है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है क्यों क्योंकि हम वहाँ पे मैकेनिकली जो भी ऑपरेशन करते हैं टीलेज करते हैं लेकिन ऐसा फील्ड जहाँ पे हम कोई ऑपरेशन नहीं करते जीरो ऑपरेशन है वहाँ पे क्या होता है वो वीड जो है वो साल दर साल क्या होते हैं उगे ही होते हैं तो उस उसको उस पर्टिकुलर वातावरण को या बायोलॉजिकल स्ट्रेस को सहने की शक्ति ठीक है सहने की जो कैपेसिटी डेवलप हो जाती है ठीक है तो उस कैपेसिटी की वजह से जो हर्बिस्टेंस जो भी हर्बिसाइड्स हम उसमें अप्लाई करते हैं या उस लैंड पे हम ट्रीट करते हैं तो वो क्या होता है टॉलरेंट वैरायटी के हो जाते हैं रेजिस्टेंस वैरायटी के हो जाते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने उस अनफेवरेबल कंडीशन को ठीक है जो फेवरेबल नहीं है उस अनफेवरेबल कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया है अडॉप्ट करने के लिए वो स्ट्रेस भी उनके लिए फेवरेबल है ठीक है तो इस कंडीशन पर हरबी साइड का रेजिस्टेंस ही डेवलप हो जाता है ओके देन फिल वेयर फार्मर्स रिले ऑन ओनली हरबी साइड फॉर हाई डिग्री लेवल ऑफ़ द वीट कंट्रोल इंक्लूडिंग नर्सरीज ऑर्च्स ठीक है सो नर्चरी मैंने बताया कि नर्सरी ऑर्चि में आपको ऑर्चिड्स जो भी होते हैं ठीक है हमारे जो हॉर्टिकल्चर प्लांट होते हैं ठीक है हमारे जो नर्सरीज होती है हम पहले नर्सरीज़ में अपने यू नो क्रॉप को उगाते हैं और फिर उस जाके उसका एक पौधा हम दूसरे फील्ड पे ट्रांसप्लांट करते हैं ठीक है तो जो नर्सरीज़ में पॉपुलेशन जो होता है वीट का तो उसको नर्सरी कम एरिया में उगाते हैं है ना एज़ कम्पेयर टू फील्ड नर्सरी में जो भी हम क्रॉप उगाते हैं वो किस उद्देश्य से उगाते हैं कि हम उसे ये जो है हमारा क्या है ये हमारा ऑप्शनल फील्ड है हम जाके इसको निकाल के पुल आउट करके हम उसको मेन फील्ड पे ट्रांसफर करेंगे ठीक है विच इज़ ऑल्सो कॉल ट्रांसप्लांटिंग ठीक है सो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या होता है हम देखते हैं कि जो फील्ड पे है हम हरबी साइड्स को बहुत ही हाई डिग्री लेवल से या डोजेस जो हैं हम हरबी साइड का वैसे ही डोज दे देते हैं जैसा डोज हम अपने मेन फील्ड में देते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंस होगी ठीक है तो उस कंडीशन पे भी क्या होता है फिर वही डोज हम नर्सरी में दे रहे हैं वही डोज हम अपने मेन फील्ड में भी देंगे तो क्या होगा उनके उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उसका वो खिल ही नहीं होंगे मरेंगे ही नहीं ठीक है तो उस कंडीशन पे भी क्या होता है हरबी साइड रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाती है ओके देन नॉन क्रॉप सिचुएशन लाइक रोड साइड्स रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा वेयर हरबी साइड्स आर रिपीटेड यूज मे बी एट हायर डोज दैन क्रॉप सिचुएशन ठीक है अब देखिए ये जो है ये अगर हम देखें तो ये आ, ये कॉमनली अगर आप देखें ठीक है अगर आ, वहाँ कोई फार्मर तो जाएगा नहीं रोल ट्रे, रेल ट्रैक में या रोड साइड में ठीक है तो नॉर्मली जो आप जो भी अलग डिपार्टमेंटल जो होता है उसे एक हर भी साइड वो लेके आता है और हर साल वही हर भी साइड उगते हैं सॉरी वीट्स उगते हैं और वो क्या करता है सपोज कोई टू फोर डी का लेके आया और हर साल वो रेलवे ट्रैक में ट्री टू फोर डी डाल देता है ठीक है कि भाई जो भी घास वूस है वो मर जाए तो एक साल मरेगा दो साल किल होगा उसके बाद एक टाइम बाद वो क्या होगा वो हैबिट को डेवलप कर लेगा अपने में ठीक है तो आप देखेंगे हमेशा रेलवे ट्रैक में बहुत सारे ये पारथिनम हिस्टोर ऑफ वैसे वीट्स जो हैं हाँ बहुत ही ज़्यादा साइनोडॉन डैक्टाइलॉन पार्थेनम हेस्टोरोस कैनरा ग्रासेस ठीक है टाइगर ग्रासेस ये जो है अक्सर आपको रेलवे ट्रैक में रोड साइड में अक्सर दिखाई पड़ेंगे क्यों क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही डेवलप कर लिए हैं पर्टिकुलर हरबी साइड के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितना भी ट्रीटमेंट करें ठीक है तो र, फिर उसके बाद क्या होता है ये स्प्रेड होते हैं ठीक है ठीके? इनके स्प्रोर जो हैं रेलवे ट्रैक में अगर उगाएं तो जरूरी थोड़ी ना कि वो रेलवे ट्रैक में ही रहेंगे है ना तो उनके जो स्पोर्स होते हैं विंड के जरिए या और अनदर डिस्पर्सल एजेंट के जरिए क्या होते हैं ट्रैवल करते हैं ए, वन प्लेस टू तो अनदर प्लेस ठीक है वो हमारे फील्ड पे आते हैं तो डेवलपिंग क्या हो गया उनके में ऑलरेडी टॉलरेंस और हेड रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो गया तो इस कंडीशन पे भी जो है वो जो कंडीशंस उनको ऐसा कंडीशन जब मिल जाता है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन को भी अपने अकॉर्डिंगली फेवरेबल बना लेते हैं ओके सो मूविंग ऑन ओके अब कैसे रेजिस्टेंस किसी क्रॉप में एक्जिबिट करता है ये हम देखते हैं सो हरबी साइड्स मेटाबोलिज्म बाई क्रॉप्स मेकिंग दैम इन एक्टिविटी ठीक है इनएक्टिव तो हर्बी साइड का जो भी मेटाबॉलिज़म होता है किसी क्रॉप में जो भी क्रॉप का मेटाबॉलिज्म से आप क्या समझते हैं कि कैसे सेंथेसिस हो रहा है उसके फूड का सेंथेसिस कैसा हो रहा है ठीक है वो कैसे अपना फूड बना रहा है कैसे स्टोर कर रहा है और उसका पूरा सेंथेसिस किस प्रकार से हो रहा है ठीक है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है हर्बिसाइड जो है वो क्रॉप के मेटाबॉलिज्म को इनएक्टिव कर देता है ठीक है तो उस फार्म में भी वो एग्जिबिट करता है ठीक है देन एबजन एब्सेंस ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिटिक प्रोसेस इन क्रॉप कंपेयर टू वीट्स एंड दस टॉलरेटिंग द हर्बिसाइड्स ठीक है कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं हमारे क्रॉप में भी नहीं दिखाई पड़ते हमें क्यों क्योंकि हमारे क्रॉप के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती उसे कोई स्ट्रेस होता है या कोई इंसेक्ट लग गया होता है या कोई पैथोजन का अटैक हो जाता है वुंडिंग हो जाती है ठीक है घाव बन जाते हैं तो इस कंडीशन पे क्या होता है बहुत से जो अलग जो भी मेटाबोलिटिक जो प्रोसेस हैं ठीक है मेटाबोलाइल जो भी प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं अच्छे तरीके से नहीं चल पाते हैं ठीक है ठीके? तो इसमें और जबकि क्रॉप में क्या होते हैं अच्छे से मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं तो ये भी एक्जिबिट करने का एक कारण है हर्बिसाइड के रेजिस्टेंस को ओके सेंड क्रॉप कपल द हर्बिसाइड मॉलिक्यूल ठीक है तो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं तो ऑब्वियस हम इसके बारे में फॉर्मोलेशन में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं काफ़ी कुछ बात कर चेक कर चुके हैं तो आई होप यू आप लोगों को पता होगा तो देयर इज़ नो नीड टू यू नो डिटेलिंग दिस थ्री पॉइंट्स आल्सो ओके सो लेट अस मूव ओके सो मैनेजिंग हर बी साइड रजिस्टेंस कि अगर हर बी साइड रजिस्टेंस हो गया है तो हमें कैसे मैनेज करना होता है ये हम देखते हैं ठीक है तो ये एग्ज़ाम में पूछता है ये अगर आपको बे, आ, एक तो आपका कंसेप्ट हो गया जो कि आपका प्रिंसिपल भी है एक तो हरबी साइड रजिस्टेंस क्या है ठीक है और ये मैनेजिंग या प्रिकॉशन पूछ सकता है इसको प्रिकॉशन के नाम से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि भाई प्रिकॉशन ऑफ दी हरबी साइड रजिस्टेंस बताओ या मैनेजिंग के नाम से आ, आ सकता है ठीक है या प्रिवेंशन ऑफ दर्बी साइड रेजिस्टेंस इसके नाम से भी आ सकता है ठीक है एग्जाम में सो दे बोथ आर सेम सो फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट ठीक है इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट क्या है देखते हैं सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आई डब्ल्यू एम ठीक है आई पी एम बोलते हैं ना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेम इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट होता है जिसको हम आई डब्ल्यू एम कहते हैं सो आई डब्ल्यू एम एम्स एट यूज ऑफ अ रेंज ऑफ वीट कंट्रोल टेक्निक्स एम्ब्रेसिंग फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैथड In an integrated fashion, without excessive relation on any single method, this aspects has been already covered in preceding sections. Okay. So integrated weed management mein kya hota hai Integrated weed management मतलब हम वीट को pre uh, prevent करने का ठीक है? वीट के precaution measure लेने के लिए हम हर टाइप का method देखते हैं। उसमें कल्चरल मैथड मैकेनिकल मैथड बायोलॉजिकल मैथड ठीक है केमिकल मैथड ठीक है मैनुअल मैथड सब कुछ इंक्लूड है ठीक है तो हम सारे मेथड को स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप अपने फील्ड की कंडीशन देख के जब करते हैं तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कहते हैं जब इनिशियल स्टेज में वीट जब उग आए तो हम उसे मैन्युअली ठीक है कल्चरली हम उसे आ, आ, निकाल सकते हैं पुल आउट कर सकते हैं ठीक है हम देखते हैं जब वीट का पॉपुलेशन जो है हम उसको टीलेज इम्प्लीमेंट हम पहले टीलेज ऑपरेशन करते हैं प्लॉइंग करते हैं अपने फील्ड पे ठीक है तो उसके थ्रू भी कुछ सीड्स जो हैं उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पैरानियल वीट्स के जो रूट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ठीक है तो ये सेकेंड हम प्रिकॉशन मेजर ले सकते हैं फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे बायो फ्रेंडली जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ठीक है जो एज अ फूड हमारे किसी वीट को खाते हैं ठीक है तो हम वो अप्लाई कर देते हैं तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाता है हमारे वीट का फिर केमिकल कंट्रोल तो हम करते ही हैं ठीक है जब तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस पॉपुलेशन हमारा वीट का आ जाता है हमारे फील्ड पर तो केमिकल पॉपुलेशन सॉरी केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं हम है ना तो ये जो है वो आपका कल्चरल uh, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल uh, एंड फिज़िकल दैन केमिकल जो प्रोसेस जो है ठीक है स्टेप बाई स्टेप जब चलता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट तो ये बहुत ही अच्छा प्रिकॉशन है आ, आपके हर भी साइड के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ठीक है सो मूविंग ऑन ओके सो यूज़ ऑफ़ ट्रांसजेनिक हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप ठीक है तो हम ऐसे क्रॉप लगाएं जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंसी डेवलप करें रखें अपने आप में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स रखें सो एन आइडियल हर्बिसाइड वुड कंट्रोल अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वीड स्पीज विदाउट हार्मिंग क्रॉप स्पेस ऑफ द चॉइस ठीक है तो हम ऐसा आइडियल हर्बिसाइड रेजिस्टेंस रजिस्टेंस लगाएं जो हर्बिसाइड के अटैक को या ट्रीटमेंट पे उस पर कोई फर्क ना पड़े उसे ठीक है कोई डिसएडवांटेज ना हो हमारे क्रॉप प्लांट को हाउ एवर इट इज डिफिकल्ट टू ऑपटेन सच एन आइडियल हर्बिसाइड साइड बाई कन्वेंशनल केमिकल सेंथेसिस हाउ एवर प्लान जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव मैथड ऑफ अटेनिंग दिस गोल रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी एडवांस इन प्लांट साइंस प्रोवाइड अ जेनेटिक मटीरियल ऑफ एंडोइंग क्रॉप स्पीसीज विथ रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड्स ऑफ चॉइस ठीक है तो बहुत सारे बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जो भी हमारे प्लांट साइंस में जो भी डेवलप हो गया है ठीक है जैसे हमने पढ़ा कि जेनेटिक वेरिएशन ठीक है तो जेनेटिक वेरिएशन होगा हमारे प्लांट पे, ठीक है जेनेटिक वेरिएशन मतलब जो इंटरनल जो भी प्रोसेस होते हैं डीएनए का प्रोसेस होता है ठीक है मेटाबॉलिज्म होता है सेल का अलग से फिजियोलॉजी होता है देन सेल इलोंगेशन होता है सेल मेम्ब्रेन तो जब ये जो है ठीक है जब ये डेफर करेगा ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी ठीक है तो जो, जो भी जेनेटिक वेरिएशन आता है वो आर्टिफिशियली हम चाहें तो अपने प्लांट पे बायोटेक्नोलॉजी लैब में हम वैसे सीड तैयार कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए जैसा हमें जीन चाहिए वैसे जीन के पौधे हम तैयार कर सकते हैं तो वो भी एक ऐसा है कि हम ट्रांसजेनिक हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वाले क्रॉप यूज़ करें जिससे हम क्या करें हर्बिसाइड के जो रेजिस्टेंस हैं क्रॉप के लिए सॉरी वीट के लिए वो कम डेवलप हो पाए ठीक है सो मूविंग ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ मोड ऑफ़ द एक्शन तो मोड ऑफ़ द एक्शन तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज मोड ऑफ़ द एक्शन मोड ऑफ़ द एक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ठीक है ये आपको याद हो जाना चाहिए इतने बार हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है कि अब आपको याद हो जाना चाहिए ये सो मोड ऑफ़ द एक्शन कैसे डिपेंड करता है सिंस मोस्ट हर बी साइड रजिस्टेंस विद पॉपुलेशन एंड रेजिस्टेंस ओनली टू वन हर बी साइड मोड ऑफ द एक्शन कंट्रोल कैन भी अचीव विद एन इफेक्टिव ऑल्टरनेट हर बी साइड दैट हैज डिफरेंट मोड ऑफ द एक्शन ठीक है तो हम ऑल्टरनेट करें उसका मोड ऑफ द एक्शन अलग हो साइट ऑफ द एक्शन अलग हो तब हम हर बी साइड के रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं ओके वाइसर स्ट्रैच स्ट्रैटजी वुड लाई टू इम्प्लीमेंट रोटेशन और मिक्सचर बिटवीन डिफरेंट हर्बिसाइड मोड ऑफ द एक्शन बिफोर रजिस्टेंस डेवलप सो एज टू प्रोलोंग द इफेक्टिव लाइज ऑफ द बोथ हर्बिसाइड ठीक है तो हम ऐसे जो इम्प्लीमेंट को हम रोटेट करते हैं ठीक है जो भी हम रोटेशन अपना रहे हैं हमें क्रॉप में भी रोटेशन अपनाना चाहिए ताकि जो हरबी देखिए अलग अलग क्रॉप में अलग अलग वीड्स उकते हैं ठीक है तो हम अगर एक ही टाइप के क्रॉप लेंगे तो एक ही टाइप के वीड हर बार वहाँ उगाएंगे ठीक है तो वो भी एक कारण है हर भी हर्ब्स में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना ठीक है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप एक ही टाइप के बार बार क्रॉप ले रहे हैं एक ही टाइप की वीड उगा रहे हैं और एक ही टाइप का हर्बिसाइड आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा हर्बिसाइड ट्रीटमेंट आप एक ही टाइप का कर रहे हैं एक ही टाइप का मोड ऑफ दी एक्शन है सेम टाइप का मोड ऑफ दी एक्शन है सेम टाइप की क्रॉप है सेम वीड्स हैं तो क्या होगा हर्बिसाइड जो जो वीट का जो रजिस्टेंस है वो ऑबियस है कि डेवलप हो जाएगा काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ही डेवलप कर लेगा वो उसके बाद उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड जो है वहाँ पे के लिए वो क्या होगा यूजलेस होगा ठीक है उसका ट्रीटमेंट करने से कोई बेनिफिट हमें नज़र नहीं आएगा अपने क्रॉप फील्ड पर ठीक है तो ये मैनेज करने का तीन जो बेसिक जो इम्पॉर्टेंट बेसिक क्योंकि इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाता है केमिकल बायोलॉजिकल फिजिकल कल्चरल मैकेनिकल कंट्रोल सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है ठीक है उसके बाद आपको हर से टॉलरेंस और रेजिस्टेंस वराइटी जो है आपको अपने क्रॉप की वैरायटी वैसी लगानी चाहिए जीनोटाइप टाइप वैसा डेवलप करना चाहिए थ्रू दी बायोटेक्नोलॉजी एंड वेल डेवलप्ड लैब में ठीक है एंड आपको मोड ऑफ दी एक्शन पे भी काम करना चाहिए ठीक है तो ये मैनेजिंग मेन मैनेजिंग फैक्टर्स है हमारे हरबी साइड रेजिस्टेंसी डेवलप ना होने की ठीक है so सो ये आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा सो so आज के लिए बस इतना ही अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे Okay, so thank you very much, and till then, be safe. Take care. Thank you.